आज सबकी निगाहें भारतीय शेयर बाजार पर टिकी हुई हैं। दरअसल हिंडनबर्ग ने बीते साल 24 जनवरी को लेकर अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और इसके बाद बाजार में तूफान आया था और एक बार फिर हिंडनबर्ग का साया बाजार पर नजर आ रहा है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर ने अब की बार मार्केट रेगुलेटर को निशाना बनाया है और इस बार भी उसकी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप का नाम शामिल है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इस नए रिपोर्ट से अडानी ग्रुप के शेयरों पर क्या असर पड़ा। आइए एक नजर डालते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार ने गिरावट के साथ लाल निशान पर कारोबार शुरू किया। अब एक नजर अडानी के शेयर बाजार में लिस्टेड शेयर पर डालते हैं। अडानी पावर शेयर 5.31% की गिरावट के साथ 658.45 रुपए पर कारोबार कर रहा है। अडानी टोटल गैस का शेयर 6.39% की गिरावट लेकर 814.30 रुपए पर कारोबार कर रहा है। अडानी विमलमल शेयर में 4.21% की गिरावट आई है और ये 368.95 रुपए के लेवल पर ट्रेंड कर रहा है। अडानी टोटल गैस का शेयर 6.59% की गिरावट लेकर 812.55 रुपए पर कारोबार कर रहा है। अडानी ग्रीट एनर्जी का स्टॉक 4.30% गिरकर 1,704.30 रुपए पर है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का शेयर 4.91 गिरकर 1,049.60 पर ट्रेंड कर रहा है। अडानी पोर्ट के शेयर में 3.48% फिसल कर 1,480.45 रुपए पर आ गया है। अडानी की सीमेंट कंपनी ACC का शेयर 2.32% गिरकर 2,996.95 रुपए पर कारोबार कर रहा है। अंबुजा सीमेंट कंपनी का शेयर 1.71% गिरकर 621.20 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है। दरअसल 10 अगस्त को अपने नए खुलासे में हिंडनबर्ग ने सेबी प्रमुख और उनके पति पर आरोप लगाया था कि बरमूडा और मॉरिशस के उस फंड में उन दोनों ने निवेश किए जिसमें अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने पैसा लगा रखा था और उस फंड का इस्तेमाल अडानी समूह भारत में अपने शेयर को मैनिपुलेट करने में कर रहा था। हिंडनबर्ग ने यह भी आरोप लगाया कि सेबी प्रमुख के पति रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से जुड़ी ब्लैकस्टोन में सलाहकार का काम कर रहे हैं और माधवी बुच के कार्यकाल में कई REITs को सेबी की मंजूरी मिली है। अगर आपको नहीं पता है कि हिंडनबर्ग क्या करती है तो आपको बताते चलें कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है और जो इस प्रकार के आरोप लगाकर बाजार में शॉर्ट सेलिंग का मुनाफा कमाने का काम करती है। पिछले साल जनवरी में भी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी समूह पर बड़ा खुलासा करते हुए कंपनी पर शेयर भाव को मैनिपुलेट करने और उसमें हेराफेरी का आरोप लगाया था जिसमें अडानी समूह के बाजार पूंजीकरण में 4 लाख करोड़ तक की गिरावट आई थी और अडानी को अपना FPO वापस लेना पड़ा था। तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेबी को इस मामले की जांच सौंपी गई थी और सेबी ने अडानी को हेराफेरी और मैनिपुलेशन से जुड़े 22 मामलों में क्लीन चिट दे दी थी। सेबी ने इस मामले में हिंडनबर्ग रिसर्च को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका जवाब अब तक हिंडनबर्ग ने सेबी को नहीं दिया है।